वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 10 सितंबर 2022 के ना हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग LAC इशूज़। ठीक है, पहली ये न्यूज़ है जो हमारी इम्पोर्टेंट है, इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग LAC इशूज़। ठीक है, इसमें है गोगरा हॉट स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट टू बी कवर ऑन मंडे। ठीक है, तो इसमें है इंडिया एंड चाइना विल टेक अप रिमेनिंग इशू अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वंस द ऑन गोइंग डिसएंगेजमेंट एट पेट्रोलिंग पॉइंट कौन सा, 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग जो कि LAC पे है, ऐसा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनके द्वारा। बीजिंग वेलकम द डिसएंगेजमेंट एट PP15 बट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट बट रिटायर्ड स्टार एट इट वुड नॉट एक्सेप्ट इंडिया डिमांड टू रिस्टोर द स्टेटस प्रायर टू चाइना। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट क्या है, इंडिया और चाइना के LAC इशू से रिलेटेड है। अब हम पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे हम आ जाएंगे, पेज नंबर 4 6 हो गया ये, सॉरी, पेज नंबर 4 पे हम आ गए हैं। उसके बाद हमें ये पढ़ना है, गहलोत लॉन्चेस जॉब गारंटी स्कीम। सॉरी, तो जो वहाँ के राजस्थान के CM हैं, ठीक है, गहलोत, उन्होंने लॉन्च किया है जॉब गारंटी स्कीम। जॉब कार्ड इश्यूज टू ओवर 2.25 लाख पीपल्स लिविंग इन राजस्थान सिटी, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रहेगा ये। अब इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च्ड हियर ऑन फ्राइडे प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज लिविंग इन द सिटीज थ्रू आउट वर्क टू प्रोवाइड ऑन द डिमांड ऑफ 100 डेज इन ईयर। तो 100 दिन का मतलब जो रोज़गार ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर गहलोत हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है। ठीक है, सॉरी, चीफ मिनिस्टर जो गहलोत हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एम्बिशियस जो ये स्कीम है। ठीक है, इसका नाम रखा है आफ्टर जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी के नाम पे। ठीक है, और स्टार्ट किया है जो रेनोवेशन वर्क है 18th सेंचुरी जो है खानिया की बॉरी स्टिवेल नियर अम्बेडकर जो भवन है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और ये देखिए, ये जो टर्म है स्कीम का, जो एक हिस्टोरिक जो एक टर्म दिया गया है लाइन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल, यानी कि ये मनरेगा जो 100 डे का एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, मनरेगा, एज़ यू ऑल नो कि मनरेगा में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके तहत ये स्कीम लाया गया है। और उन्होंने इसको फॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी जी उनके नाम पे ये रखा है कि जॉब गारंटी स्कीम चला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 6 पे हम आएंगे, हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं। इस पे हमें पढ़ना है स्टेइंग द कोर्स। ठीक है, पहला तो ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है एंड ऑफ एन एरा। ठीक है, एंड ऑफ एन एरा पढ़ना है। ओके, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, इस पे हमें कौन सा पढ़ना है, आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश रिसीव मॉडर्न आर्टिलरी। ठीक है, तो जो आर्मी है अरुणाचल प्रदेश में उनको मॉडर्न आर्टिलरी रिसीव हुई है। ठीक है, देखते हैं, दिस इज़ फोकस ऑन सर्विलांस एंड जो कंसेंस है कि ऑफिशल्स ने ये चीज़ बताया है कि लेटेस्ट सिग सौर राइफल और नेगेटिव लाइट मशीन्स गन LMG और कार्ल गुस्ताफ MK3 ठीक है 84 mm रॉकेट लॉन्चर डिजिटल स्पॉटर स्कोप फ्यूल सेल चार्ज पेट्रोल ऑल टेरेन व्हीकल सैटेलाइट टर्मिनल्स ये सारी चीज़ें जो है न्यू
इंडक्शंस जो हुए हैं इन्फेंट्री सोल्जर इन रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बियॉन्ड द टाइव जो तवंग सिस्टर जो सेक्टर है वहाँ पे। तो मतलब ये इसमें हमको ये जानना है कि आर्मी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं जिससे मॉडर्न आर्टिलरीज मतलब जो न्यू मॉडर्न पे बेस्ड जो भी वेपन्स हैं जो भी चीज़ें हैं आर्टिलरीज हैं वो उनको प्रोवाइड कराई गई हैं। ओके आगे आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे हमें क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट टेक अ प्ली अगेंस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, कोर्ट आस्क सेंटर टू फाइल रिस्पॉन्स विद इन 2 वीक। तो कोर्ट ने क्या कहा है सेंटर से कि अपना रिस्पॉन्स फाइल करे 2 वीक के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट द बाल रूलिंग ऑन द सीरीज ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द वैलिडिटी जो वैलिडिटी है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। ठीक है, अ पार्लियामेंट लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेस ऑन द अगस्त। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पर फिर से ये इसके बारे में बात हुई है वर्शिप एक्ट को लेके। ठीक है, द बेंच लेड बाय जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी आपको पता ही है कौन है चीफ जस्टिस, यू ललित जी। तो उन्होंने क्या बोला है, द पिटीशन वुड बी लिस्टेड बिफोर एन अप्रोप्रिएट 3 जज बेंच ऑफ अपेक्स कोर्ट। और उसमें ये बोल रहे हैं विच में कंसीडर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो रिफ़र कर रही हैं चैलेंज को 1991 लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज की थी उसको ध्यान में देके ये चीज़ें जो बेंच है वो लीड की जाएगी। ठीक है, तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है फॉर द सेंटर वो अग्री कर गए हैं फाइल करने के लिए रिस्पॉन्स इन 2 वीक, 2 वीक में वो रिस्पॉन्स जो है उसको फाइल करने के लिए रेडी हो गए हैं। स्री ऑफ पिटिशन हैज़ बीन फाइल अगेंस्ट द एक्ट कंटेंडिंग इट हैज़ लीगली फिक्स्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट कौन सी, 15 अगस्त 1947। इलीगली बैरिंग हिंदूज, ठीक है, जैन्स बुद्धिस्ट सिख फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट टू रिक्लेम देयर प्लेस ऑफ वर्शिप विच वॉज इन्वेड इनक्रोच्ड अपॉन फंडामेंटलिस्ट बारबेरिक इन्वेडर्स। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के ये लोग मतलब जो वर्शिप है जो वर्शिप एक्ट है उसको और जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको लेके बात की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट दैट टेस्ट द वो प्रोटेक्टिव ग्रिप को टेस्ट करना है प्रो बाउंड्रीज ऑफ द प्लेसेस वर्शिप स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविजन एक्ट 1991 वो ध्यान में रख करके चीज़ें होंगी। इन हियरिंग एडवोकेट जो विष्णु जैन है और विश्व भद्र पुजारी पुरोहित है जो जो है महासंघ के, उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन अवे, कि जुडिशियल रिव्यू करा जाता है लॉ का उसको वापस नहीं लेना चाहिए, उनका ऐसा कहना है। तो इसमें अभी हम प्ली डाली गई है, इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं क्या निकल के आता है रिजल्ट वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे, इससे रिलेटेड आर्टिकल आता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सेंटर बैंस एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड। तो सेंटर ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रोकन राइस को, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के कारण। राइस प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू अडॉप्ट इन अ पैडी शोइंग एरियाज दिस खरीफ सीजन। अब देखिए इसमें क्या है, सेंटर ने क्या किया, द सेंटर हैज़ बैंड, सेंटर ने बैन कर दिया किस चीज़ पे, एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रोकन राइस को, मोस्टली यूज एज एनिमल फीड, ये मोस्टली एनिमल को फीड कराने के लिए यूज़ किया जाता था, एंड एज कंपोनेंट फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, और एक कंपोनेंट भी रहता था एथेनॉल प्रोडक्शन का। ठीक है, इन व्यू ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड एंड द प्रोडक्शन सिनेरियो ऑफ द राइस। ठीक है, अब ये जो एक्सपोर्ट है ब्रोकन राइस का वो बढ़ा है 4178% ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया था फिगर ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग जो पीरियड है 2019 उस समय से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। इंडियन एक्सपोर्ट ब्रोकन राइस मेनली इन चाइना, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, चाइना में, सेंगल में, वियतनाम में, दिजिबूती में, इंडोनेशिया में, ठीक है, वहाँ पे इन चीज मतलब यहाँ जो राइस है उसका एक्सपोर्ट बढ़ा। इट एक्सपोर्टेड अबाउट 21.31 लाख टन्स ऑफ ब्रोकन राइस इन द पास्ट 5 मंथ।
पाँच महीनों में, आप देख लीजिए पास्ट 5 मंथ में, मतलब पिछले 5 महीनों में जान लीजिए 21.31 टन ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। जस्टिफाइंग द रीज़न टू बैन एक्सपोर्ट, सुधांशु पांडे, जो सुधांशु पांडे जी हैं सेक्रेटरी हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने कहा फ्राइडे को दैट मूव वुड इंश्योर एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रोकन राइस फॉर द डोमेस्टिक पोल्ट्री, कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है उन इंडस्ट्री है, पहले उनकी नीड, पहले उनको एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए, उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और जो भी एथेनॉल के लिए है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, जो भी प्रोड्यूसिंग एथेनॉल अंडर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो किया जा रहा है राइस का, ठीक है, ब्रोकन राइस का, तो वो भी है कि वो सारी चीज़ें ज़रूरतें पहले पूरी करनी है। मिस्टर पांडे जो हैं सुधांशु पांडे जी, उन्होंने ये भी बोला कि कंट्री वॉज लाइकली टू विटनेस अ शॉर्ट फॉल ऑफ अबाउट 6% इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ऑन गोइंग खरीफ सीजन। अब ये देखा गया है कि जो अबाउट 6%, ठीक है, 6% जो एरिया है प्रोडक्शन का, वहाँ पर क्या देखा गया, जो रिडक्शन यानी शॉर्ट फॉल देखा गया, ठीक है, कम देखा गया जो ऑन गोइंग खरीफ सीज़न है वहाँ पे, ठीक है। फाइनल एरिया और खरीफ 2021, तो ये चीज़ें ध्यान में सारी देनी है, इसलिए डिसीज़न लिया गया कि सेंटर ने बैन करना है किस चीज़ को, ब्रोकन राइस को, क्योंकि पहले क्या करना है, डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने की ज़रूरत है, उसके बाद आगे की चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उन्होंने कहा स्टिग्मा अराउंड द डिज़ीज़ शुड बी इरेडिकेटेड, जो स्टिग्मा है, ठीक है, इस डिज़ीज़ को लेके उसको क्या करना पड़ेगा, इरेडिकेट करना पड़ेगा, ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्चुअली उन्होंने लॉन्च किया, क्या किया, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। अब देखिए स्कीम आती है यूपीएससी में, ज़रूर स्कीम पूछते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ लिखना है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्चुअली लॉन्च किया है फ्राइडे को, ठीक है। इसमें स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द प्रेसिडेंट सेड इट वाज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू गिव हाई प्रायोरिटी टू एंटी ट्यूबरक्लोसिस कैंपेन, वो बोल रही हैं कि सारे सिटीजन जो हैं उनकी ये हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो एंटी जो ट्यूबरक्लोसिस कैंपेन है, ठीक है, उसको मास मोमेंट तक ले जाएं एंड मेक इट मास मोमेंट, ठीक है, एक मास मोमेंट की तरह इसको ले जाएं और इसे जल्दी ही इरेडिकेट हो सकेगा। ट्यूबर क्लॉसिस कॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ देखे जाते हैं अमंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीज इन द कंट्री। इन इंडिया लिटिल लेस 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 20% है वर्ल्ड पॉपुलेशन, मोर देन 25% टोटल टीबी पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है। इट इज़ मैटर फॉर कंसर्न, ये कंसर्न का विषय है, ऐसा कह रही हैं प्रेसिडेंट जी जो है हमारी। एडिंग दैट मोस्ट ऑफ द टीबी अफेक्टेड पीपल केम फ्रॉम द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए जो टीबी अफेक्टेड पीपल्स हैं वो मोस्टली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, ये भी एक चीज़ ध्यान में देनी है। प्रेसिडेंट सेड दैट द थिंकिंग एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ न्यू इंडिया वॉज टू मेक इंडिया अ लीडिंग नेशन, ठीक है। और इंडिया हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड इन द टैकलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और ये भी उन्होंने साथ साथ बोला कि इंडिया एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को प्रूव कर चुका है कोविड-19 पेंडेमिक में, कि कैसे उसने अपने आप को डील किया। द पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्फिडेंस वॉज ऑल्सो विजिबल इन द फील्ड ऑफ टीबी इरेडिकेशन। तो मतलब ये जो न्यू इंडिया, जो एक न्यू इंडिया इनिशिएटिव है, वो भी एक तरीके से दिख रहा है कि टीबी इरेडिकेशन में भी वो एक अपना अहम भूमिका निभाएगा अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो जो यूएन का जो SDG गोल है उसमें है ऑल नेशन हैव से द गोल ऑफ इरेडिकेशन टीबी बाय 2030, ऐसा बोला गया कि 2030 तक जो टीबी है उसको इरेडिकेट करने की बात चली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग टीबी बाय 2025, तो पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टारगेट किया गया है कि इरेडिकेट कर लेंगे हम टीबी को 2025 तक ही, ठीक है। An effort are being made at every level to fulfill this revolution, she added. वो बोले कि हम इसमें सारे तरीके की चीज़ें करेंगे, सारे resolutions लाएंगे, ठीक है।
जिससे ये चीज़ों को जल्दी से पूरा कर सके। मिस्टर मोमू सेज दैट द मेक दिस कैंपेन अ मास मोमेंट, अवेयरनेस ऑफ द टीवी शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल, दे हैव टू इन्फॉर्म दैट द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज पॉसिबल। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रिवेंशन है डिजीज़ का वो पॉसिबल है, इस ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये एक्सेसिबल भी है और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी। ठीक है, किसको? प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ को उन्होंने ये चीज़ ऐड करी। सी से दैट इन सम पेशेंट्स और कम्युनिटी, जो सम पेशेंट मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं और कम्युनिटी ऐसे होती है, देयर वॉज जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एसोसिएटेड विद द डिजीज़, तो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस डिजीज़ को लेकर। उसमें उन्होंने क्या बोला है, एंड दे व्यूड इट एज अ स्टिग्मा, और इसको एज अ स्टिग्मा वो देखने लगते हैं। दिस इल्यूजन ऑल्सो हैज़ टू बी रेडिकेटेड, एवरीवन शुड अवेयर दैट टीवी, तो इसमें है जो इल्यूशन ऑल्सो हैज बीन एडिकेटेड, एवरी वन शुड बी अवेयर दैट टीवी जर्म्स आर ऑफन प्रेजेंट इन एवरी बॉडी शी एडेड। ठीक है, तो वो ये बोल रही हैं कि जो टीवी के जर्म्स हैं वो ऑफन प्रेजेंट होते हैं सबकी बॉडी में, पर इसके जानने की ज़रूरत है और एक इल्यूजन की तरह इसको ना लिया जाए सके और किसी को स्टिग्मा के तौर पर, किसी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के तौर पर ना देखा जाए, वो ये चीज़ बता रही हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे ही, सॉरी, उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हमें कौन सा पढ़ना है, नॉर्थ कोरिया मेक न्यूक्लियर प्रोग्राम इरिवर्सिबल। ठीक है, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है जो कि इरिवर्सिबल है। दिस एलिमिनेशन डेन्यूक्लियराइजेशन स्टॉक, ठीक है, डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाएगी, दिस एलिमिनेट डीन्यूक्लियराइजेशन स्टॉक, मतलब जो डीन्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन होता है, डीन्यूक्लियराइजेशन होता है कि उसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी जो डीन्यूक्लियराइजेशन है, जो बातचीत कर सकते हैं जिसमें चीज़ों को लेके। नॉर्थ कोरिया हैज़ पास्ड अ लॉ डिक्लेयरिंग इज रेडिंग टू लॉन्च प्रिवेंट, लॉन्च किया प्रिवेंट करने के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक इन ग्रुप के फेस ऑफ कन्वेंशन ट्रैक मीडिया से फ्राइडे। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में देनी है कि नॉर्थ कोरिया क्या करने जा रही है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम लाने जा रही है जो इरिवर्सिबल है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको इसके बाद ये पढ़ना है एफएम टास्क आरबीआई टू जो है व्हाइटलिस्ट लीगल लोन्स ऐप टू प्रोटेक्ट बोरोवर्स। इसमें क्या है, सीतारमन फ्लैग पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा। वो बोल रही हैं कि एक पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग ब्रीच और प्राइवेसी जो डेटा को है उसको लेकर। अब इसमें ये बोल जाता है कर्व मिनांस ऑफ द इलीगल लोन्स ऐप, जो इलीगल लोन ऐप है, ठीक है, आरबीआई ने बोला है, आरबीआई हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर वाइट लिस्ट। ठीक है, एक वाइट लिस्ट बनाने को बोला गया है, उसमें क्या होगा, जो लीगल लोन ऐप होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेगी, टास्क उसको दिया जाएगा, हैज़ बीन टास्क विद इंश्योर करेगी वो ओनली सच एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर। तो उनको मतलब देखेगी, उनके बारे में जांच करेगी, सारी चीज़ें पता लगाएगी। तो आज के द हिंदू के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।